हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज़ आई वेलकम यू ऑल टू दी एमएम एकेडमी आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज जिसमें मैं आपको करवाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सी सेट जो होता है यूपीएससी का पेपर नंबर टू तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखिए देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स पर्सन कैन कंप्लीट ट्वेंटी ऑफ द वर्क इन एट डेज एंड अनदर वाई पर्सन कैन कम्प्लीट ट्वेंटी ऑफ द सेम वर्क इन सिक्स डेज इफ दे वर्क टूगेदर इन हाउ मेनी डेज फोर्टी ऑफ द वर्क विल बी कम्प्लीटेड ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सी का ट्वेंटी ट्वेंटी का आपको क्वेश्चन मैंने बायलैंग्वल रखे हैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में तो देखिए आपसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कोई पर्टिकुलर पर्सन एक्स है वो बीस प्रतिशत वर्क कंप्लीट करता है उसको टाइम कितना लगता है उस बीश बीश प्रतिशत वर्क कंप्लीट करने के लिए आठ दिन लगते हैं कोई दूसरा पर्सन है वाई वो पच्चीस प्रतिशत वर्क कंप्लीट करता है और उसको समय लग जाता है छह दिन अगर एक्स और वाई साथ में काम करने लगे तो चालीस प्रतिशत वर्क वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे आपको ये बताना है तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक से बताती हूं देखिए तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ट्वेंटी परसेंट का मतलब क्या होता है ट्वेंटी परसेंट को आप क्या लिखते हो ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड लिखते हो ओके जीरो से जीरो गया टू फाइव आ गया तो वन बाय फाइव भी बोल सकते हो आप ट्वेंटी परसेंट को अब ट्वेंटी फाइव परसेंट की वैल्यू बताइए ट्वेंटी को आप क्या बोल सकते हो ट्वेंटी बाय हंड्रेड विच इज वन बाई फोर ओके ट्वेंटी फाइव परसेंट को फ्रैक्शन में क्या लिखते हो वन बाय फाइव ओके एंड फोर्टी परसेंट को आप क्या बोलोगे फोर डिवाइड बाई टेन बोलोगे या फिर टू बाई फाइव बोलोगे अब देखिए हम इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे

ओके okay, इतना क्लियर हुआ तो अब देखिए मैंने आपको दो तरीके सिखाए हैं एक तो सिखाया है मैंने एफिशिएंसी के थ्रू और एक सिखाया है आपको फॉर्मूला के थ्रू तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी से करते हैं उसके बाद फॉर्मुला से बताती हूँ देखिए देखिए एफिशिएंसी में क्या करना पड़ता है हमें सिंपली पहले निकालना पड़ता है कैपेसिटी और कैपेसिटी कैसे निकलती है एलसीएम लेके देखिए फोर्टी और ट्वेंटी का एलसीएम कितना होता है वन होता है और इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया है कि मिनिमम ऐसा नंबर निकालिए जिससे कंप्लीटली डिविजल हो जाए ओके आप क्या निकालेंगे हम एफिशियंसी निकालेंगे तो एफिशियंसी कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी डिवाइड बाई फोर्टी विच इज थ्री

दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी x प्लस वाई की ओके x प्लस आपको एट यूनिट पर डे अब पूरा काम कितना है 120। लेकिन परसेंट वर्क तो 120 ट्वेंटी तो का कितना निकाल हो गया 40 परसेंट तो फोर्टी परसेंट कैसे लिख सकते हो 4 बाय टेन लिख सकते हो आप और दोनों काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 8 तो 8 से आपने डिवाइड कर दिया तो देखिये फोर से एट गया तो यहां टू आया जीरो से जीरो गया और आंसर कितना आ गया आपका सिक्स डेज आ गया एक्स प्लस वाई ये दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो चालीस परसेंट वर्क ये कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे सिक्स डेज में कर लेंगे तो देखिए ये तो हो गया आपका एफिशिएंसी वाला फॉर्म ओके okay, अब मैं बताती आपको फॉर्मुला के थ्रू देखिए आपको मैंने डायरेक्टली कैसे बताया था अगर दो लोग साथ में काम करते आप इंटू फोर्टी परसेंट का निकालोगे परसेंट हटा तो नीचे क्या हंड्रेड आ गया क्लियर जीरो से जीरो गया टू जा, 5 जा। ओके okay, अब एक्स की वैल्यू पता है आपको X की वैल्यू कितनी है 40, और y की वैल्यू कितनी है 24, तो यहाँ पे रख दी X की वैल्यू कितनी है 40, into 24, by 40, plus 24. और यहाँ पे क्या आया था यहाँ पे आया था आपका टू डिड बाय फाइव अब देखिए इसको आपको क्या करना है इग्नोर ये साइड पहले का है इसको इरेजी कर देती हूँ डायरेक्टली अब देखिए ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी सिंपली यहाँ पे आ गया आपका फोर्टी इंटू ट्वेंटी फोर इंटू टू और नीचे कितना आ गया आपका सिक्सटी फोर इंटू फाइव आ गया ओके अब आप फोर की टेबल से जा सकता है ये फोर टेन जा और फोर ओके टू वन जा टू एट जा एट वन जा एट थ्री जा ओके ऊपर क्या मिला आपको टू इंटू थ्री विच इज सिक्स यहाँ से भी सिक्स डेज आ रहा है तो देखिए आप एफिशिएंसी के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर फॉर्मला के थ्रू निकाल सकते हैं तो देखिए वहां अगर हो गया तो मैं एक बार और बता देती हूँ कितना समय लग जाता है हंड्रेड परसेंट वर्क करने के लिए फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई होता है लेकिन देखिए हंड्रेड परसेंट के लिए तो ये फॉर्मुला होता है फोर्टी परसेंट के लिए कितना हो जाएगा एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इंटू

रहा है तो शाम रेस्ट जो बचाटी परसेंट वर्क है उसको शाम कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है उसको कंप्लीट कर रहा है एट डेज में ओके आपसे ये दिया है मतलब उसको एट डेज मोर लग रहे हैं मतलब एट डेज में कंप्लीट कर रहा होगा अब नेक्स्ट आपसे पूछा क्या जा रहा है हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट एंटायर जॉब अलू अब आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि अकेला राम अगर काम करता शुरू से लास्ट तक तो उसको कितने दिन लग जाते ये आपको वैल्यू निकाल के बतानी है तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है फोर्टी परसेंट वर्क शाम अकेला कितने दिन में कर रहा है आठ दिन में कर रहा है तो अगर हंड्रेड परसेंट वर्क की बात पूछी जाए कि हंड्रेड परसेंट वर्क श्याम कितने दिन में करेगा तो सिंपली क्या करोगे आप एट्टी डिवाइड बाय फोर्टी इन टू हंड्रेड कर दोगे ओके एट वन झा एट फाइव फाइव ट्वेंटी जा ओके okay, तो शाम को कितने दिन लग जाएंगे टोटल हंड्रेड परसेंट करने के लिए बीस दिन लग जाएंगे इतना क्लियर हुआ आपको ओके okay, तो शाम की एफिशिएंसी कितनी आ गई शाम की एफिशिएंसी आ गई ट्वेंटी डेज तो एक्स्ट्रा में रेस कर देती हूं सारा ओके okay, तो देखिए हंड्रेड परसेंट करने के लिए शाम को कितने दिन, दिन लग रहे हैं बीस दिन लग रहे हैं इतना क्लियर हुआ आपको अब देखिए राम और श्याम साथ में वर्क करते हैं तो उनको कितने दिन लगते हैं चार दिन लगते हैं और कितना वर्क करते हैं साठ परसेंट वर्क करते हैं आपको मैंने फॉर्मुला क्या सिखाया हंड्रेड परसेंट वर्क के लिए एक्स वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई फॉर्मूला सिखाया है ओके लेकिन देखिए हंड्रेड की जगह कितना वर्क हो रहा है साठ हो रहा है तो सिक्स बाय लिख सकते हो आप सिक्स तो बाय वर्क कितने दिन में हो रहा है चार दिन में हो रहा है ओके okay, अब यहां पे आपको y की वैल्यू मिल गई क्योंकि राम को टोटल कितने दिन लग रहे हैं बीस दिन लग रहे हैं तो यही क्या हो गई y की वैल्यू तो y की वैल्यू मिली हमें ट्वेंटी तो यहां हम y की वैल्यू क्या सब्सिट्यूट कर देंगे और यहां भी 20। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी और x ही क्या होगा टोटल डेज रिक्वायर्ड बाय राम टू कंप्लीट द होल वर्क तो, हो तो ये क्या हो जाएगा x डेज हो जाएगा तो देखिए हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स अनोन है आपकी वाई की वैल्यू कितनी आई ट्वेंटी आई डिवाइड बाय ट्वेंटी प्लस एक्स इंटू सिक्स डिवाइड बाई टेन अब किससे करना है आपको फोर से करना है Which is equal to four. इतना आपको क्लियर हुआ तो देखिये फोर वन झा फोर फाइव फाइव वन जा, फाइव टू जा, टू वन जा, टू थ्री जा. ओके तो ऊपर क्या मिला आपको यहाँ पे थ्री एक्स और यहां क्या मिला आपको ट्वेंटी प्लस एक्स ओके टू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी ट्वेंटी आ गई तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी टेन आ गई और यही क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय राम टू कंप्लीट द होल वर्क तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी टेन डेज और आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी क्लियर ना लोकोवर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क इन 30 डेज X कैन डू 1 बाई ऑफ द वर्क इन 10 डेज वर्क इन फोर्टी डेज एंड ऑफ दर्क इन थर्टीन डेज हुट द वर्क फर्स्ट तो देखिये यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि ट्वेंटी को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हो ट्वेंटी को आप फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हो वन बाय फोर लिख सकते हो ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है तो इसकी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं फोर्टी परसेंट को क्या लिखते हो फोर्टी डिवाइड बाय हंड्रेड लिखते हो तो देखिए जीरो से जीरो जाता है तो आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आती है टू बाय फाइव आती है मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया था जब मैंने फ्रैक्शन पढ़ाया था कि आप ये लर्न कैसे करते हो नेक्स्ट क्या है ऑलरेडी आपका फ्रैक्शन में दिया है तीन ही लोग हैं तीनों के चाहिए थे अब हम इंडिविजुअली बना लेते हैं तो देखिए ऑफ़ द वर्क W कितने दिन में कंप्लीट करता है तीस दिन में करता है ओके okay? तो पूरा वर्क कितने दिन में कर लेगा कंप्लीट थर्टी इंटू तो ये कितना आ जाएगा आपका एक डेज ओके अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपसे वन फोर्थ ऑफ द वर्क एक्स कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में दस दिन में तो पूरा वन वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा एक्स मतलब हंड्रेड परसेंट वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये फोर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन में तो फोर्टी डेज लग जाएंगे एक्स को कंप्लीट करने में पूरा वर्क ओके नेक्स्ट क्या है फोर्टी परसेंट ऑफ द वर्क वाई कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है चालीस दिन में कर रहा है तो मतलब

तो देखिए जिसको सबसे कम समय लगेगा सबसे कम समय किसको लग रहा है Z को वही तो सबसे जल्दी काम कंप्लीट कर लेगा तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज Z ओके तो कभी कभी आपको इतने इजी क्वेश्चन भी मिलते हैं सी सेट में तो ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 2016 का अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देखिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए ये भी आपका सी का क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है फॉर्मूले से डायरेक्ट हो जाएगा देखिए आपसे क्या बोल रहा है एक्स वाई जेड अकेले अकेले लोगों को कितने दिन लगते हैं बारह दिन पंद्रह दिन और अठारह दिन एक्स को लगते हैं बारह दिन वाई को लगते हैं पंद्रह दिन और जेड को लगते हैं अठारह दिन ओके आपसे पूछा गया है कि अगर ये तीनों साथ में वर्क करने लगे मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड सात में वर्क करने लगे तो कितने दिन लगेंगे देखिए हम डायरेक्टली एफिशिएंसी से देख लेते हैं इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम कितना आ गया 180 आ गया एफिशिएंसी कितनी हो गई 180 डिवाइड बाय 12 तो इसकी वैल्यू आई 15 180 डिवाइड बाय 15 तो इसकी वैल्यू आई 12 180 डिवाइड बाय 18 तो इसकी वैल्यू आई आपकी 10 तो देखिए एक्स कितना काम करता है 15 यूनिट पर डे वाई कितना करता है 12 यूनिट पर डे और जेड कितना करता है 10 यूनिट पर डे ओके okay, अब देखिए ये साथ में वर्क करने लगे तो इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर दोन तो प्लस ट्वेल्व प्लस टेन कितना आ गया आपका 37 यूनिट पर डे कंबाइन एफिशिएंसी ऑफ कम्बाइन एफिशियंसीड अब देखिए अब आप सिंपली क्या निकालोगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टोटल वर्क कितना ज्यूम किया हमने 180 तो 180 टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डिवाइड बाई एफिशियंसी कंबाइन एफिशियंसी कितनी आई थर्टी यूनिट पर डे ओके okay, तो देखिए यूनिट से यूनिट कैंसिल हुआ अब देखिए थर्टी सेवन फोर होता है आपका वन फोर्टी एट ओके अब बचा कितना आपका थर्टी टू थर्टी टू 37 बाई थर्टी सेवन तो आपका आंसर कितना हो गया फोर थर्टी टू बाई थर्टी सेवन आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए ओके काफी सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी अब नेक्स्ट देखिए

और बी को कितने मिनट लगते हैं तीस मिनट लगते हैं ओके okay, अब आपसे पूछा जा रहा है अगर ये दोनों साथ में ओपन हुए मतलब साथ में इनने फिल करना चालू किया टैंक को ए ने फिल करना चालू किया बी ने फिल करना चालू किया तो कितना समय लग जाएगा तो देखिए इन दोनों का क्या निकालेंगे सबसे पहले आप एलसीएम जिसको बोलते हैं आप कैपेसिटी ओके okay, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका सिंपली सिक्सटी आ जाएगा तो देखिए एफिशियंसी कितनी हो जाएगी सिक्सटी डिवाइड बाई ट्वेंटी विच इज थ्री और सिक्सटी डिवाइड बाई थर्टी विच इज टू तो देखिए ए की एफिशिय कितनी आई थ्री यूनिट पर डे सॉरी यहाँ डे नहीं यहाँ मिनट रहेगा देखिए आपको आंसर में क्या पूछा है यहाँ मिनट दिया है ना तो इसको भी मिनट लेंगे बी की कितनी आ जाएगी टू यूनिट पर मिनट ओके अभी साथ में वर्क कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी वो क्या कर दो ऐड कर दो तो कम्बाइन एफिशिएंसी कितनी हो गई ए प्लस बी की थ्री प्लस टू विच इज फाइव यूनिट पर मिनट ओके तो देखिए वर्क कितना है टोटल सिक्सटी यूनिट है जो देखिए टोटल वर्क कितना है सिक्सटी यूनिट तो सिक्सटी डिवाइड बाई कम एफिशियंसी विच इज फाइव यूनिट पर मिनट ओके okay, यूनिट गया गया मिनट ऊपर आ तो आंसर कितना आ गया, तो आ गया यहाँ पे मिनट ओके ए प्लस बी अगर साथ में टैप ओपन होंगे तो कितना समय लग जाएगा इन दोनों को फिल करने में पूरा टाइम बारह तो हो गया ऑप्शन नंबर बी क्लियर अब नेक्स्ट देखिए ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी है देखिए अ लीक इन अ बॉटम ऑफ अ टैंक तो देखिए जब भी आप लीक ऑब्जर्व करते हो किसी भी क्वेश्चन में तो लीक को आप क्या कंसीडर करते हो आउटलेट पाइप ओके और अगर आपसे फिल बोला है तो उसको आप इनलेट पाइप करते हो आउटलेट को आप नेगेटिव में लेते हो इनलेट को आप पॉजिटिव लेते हो क्योंकि आउटलेट क्या करता है पानी निकालता है तो इसलिए नेगेटिव लेते हैं और इनलेट क्या करता है फिल करता है तो इसलिए इसको पॉजिटिव लेते हैं अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे अ इन द बॉटम ऑफ टैंक एन एम टी द फुल टैंक इन सिक्स आर तो अगर लीक होता है टैंक में तो लीक के कारण पूरा जो टैंक होता है उसका पानी कितने देर में निकल जाता है छह घंटे में निकल जाता है ओके तो देखिए आपसे पूछा जाए अगर एक घंटे में कितना पानी निकल रहा है तो आप सिंपली क्या करोगे वन बाय सिक्स करोगे देखिए कैसे देखिए लीक क्या करता है छह घंटे में पूरा पानी निकाल देता है मतलब लीक को कितना समय लगता है लीक को पूरा छह घंटा लगता है पूरे टैंक को एम्प्टी करने के लिए तो सपोज हम कैपेसिटी मान लेते हैं वन ओके okay? तो एक घंटे में कितना लीक हो जाएगा पानी वन बाय सिक्स पार्ट हो जाएगा किसी भी टैंक का ऐसा बोल सकते हो ओके okay. अब आपसे बोला जाए कि इनलेट और लीक साथ में हो रहे हैं। मतलब पानी फिल और आउटलेट दोनों साथ में हो रहा है तब वो एम कितने घंटे में करता है आठ घंटे में करता है तो देखिए आठ घंटे अगर लीक प्लस इनलेट ये साथ में हो रहे हैं तो पूरे टैंक को खाली करने में इनको आठ घंटे लग जाता है तो एक घंटे में कितना खाली हो रहा होगा इलेट प्लस लीक दोनों को अगर आपने कंबाइन किया तो एक घंटे में वन बाय पार्ट खाली हो रहा होगा टैंक का ओके okay, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कैपेसिटी ऑफ इनलेट अब देखिए आउटलेट आपको दिया है कितना वन बाय सिक्स पार्ट आपका एम्प्टी हो रहा है एक घंटे में और अगर ये कंबाइन वर्क कर रहे हैं तो कितने एम्प्टी हो रहा है वन बाय एट पार्ट तो देखिए आप इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो इनलेट का आपको मिल जाएगा वन बाय एट माइनस तो ये कितना मिला आपको वन बाय मिला अब वन बाय क्या आया आपका जो इनलेट पाइप दिया था आपको इनलिट पाइप को 24 घंटे लग जाएंगे पूरे टैंक को क्या करने के लिए फिल करने के लिए तो देखिए 24 घंटे किसको लग रहे हैं इनलेट टैंक को ओके अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है रेट ऑफ इनलेट कितना दिया है 4 लीटर पर मिनट दिया है मतलब हर एक मिनट में कितना फिल होता है चार लीटर ओके तो आपसे बोला गया कि अगर चौबीस घंटे है तो चौबीस घंटे में कितना पानी फिल हो गया होगा तो यही क्या आ जाएगी आपकी कैपेसिटी आ जाएगी तो देखिये चौबीस घंटे हो गए कितना पानी फ़िल हो रहा है आपका चार लीटर पर मिनट अब मिनट में है तो इसको में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको आर्स में, तो तो में आ गया ओके आर्स आर से कैंसिल हो गया तो आपका आंसर कितना आ गया फाइव सेवन सिक्स जीरो लीटर ओके तो आंसर करेक्ट क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियर सिंपली आपने लीक को क्या कंसिडर किया आउटलेट इनलेट आपको निकालना था कितना है आउटलेट कितना आया आपका वन बाय सिक्स आया इनलेट आपका पता नहीं था कितना है लेकिन कंबाइन इनलेट प्लस आउटलेट कितना आ रहा था आपका वन बाय एट आ रहा था तो देखिए वन बाय एट से आपने माइनस कर दिया वन बाय सिक्स तो वैल्यू कितनी आई वन बाय ट्वेंटी फोर आई तो ये वन बाय ट्वेंटी फोर किसकी वैल्यू हो जाएगी इनलेट की वैल्यू हो जाएगी तो चौबीस घंटे में पूरा पानी कौन फिल कर देगा टैंक में ए लेट पाई फिल कर देगा ओके तो 24 घंटे लगते हैं अब देखिए आपको कैपेसिटी पूछी गई तो, तो यहाँ रेट दिया है आपको चार लीटर पर मिनट में होता है तो, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा चार इंटू सिक्सटी ओके आंसर कितना आ जाएगा आपका फाइव सेवन सिक्स जीरो क्लियर तो आप करती हूँ मैं एंड अपनी क्लास का नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूशन में और क्वेश्चन सीखेंगे अगर आपको कोई भी डाउट आए हो तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट भेज सकते हैं अपनी तरफ से भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टीज आ रही हो तो आप मुझे इन आईडीज में भेज सकते हैं मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपको उनका सोल्यूशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन देने का क्लियर आप हमारा एमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके सिंपल सी ये प्रोसेस है ओके okay? तो मैं एंड करती हूँ अपनी क्लास अगर आपको पसंद आई हो मेरी क्लास तो प्लीज लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग Thanks for watching!